हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के पार्ट 2 के बारे में, जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसमें हम कवर करने वाले हैं सिम्पथोमिमेटिक एंड सिम्पथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन एड्रेनर्जिक सिस्टम। कौन सा हमारा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है कि जो कि हमारा प्राइमरी इन्वॉल्व होता है इन आर एड्रेनर्जिक सिस्टम। ऑप्शन ए एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी नॉरएपिनेफ्रिन या फिर ऑप्शन नंबर डी सेरोटोनिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नॉरएपिनेफ्रिन। तो एड्रेनर्ज जो हमारा एसिटाइलकोलिन होता है वो हमारा इन्वॉल्व होता है कोलिनर्जिक सिस्टम के साथ, और जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन होता है दैट इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन एड्रेनर्जिक सिस्टम व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल इन एड्रेनर्जिक कनेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सिलेक्टिव बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो कौन सा हमारा एक ऐसा बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है। बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट मतलब जो के ऐसे ड्रग होते हैं व्हिच मिमिक द बीटा 2 सॉरी व्हिच मिमिक द बीटा 2 एड्रेनर्जिक सिस्टम, जो कि बीटा टू एडेनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करके अपना बीटा टू एडेनर्जिक सिस्टम का एक्टिविटी शो करता है, एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, जो कि एस्थमा के ट्रीटमेंट में हम इसे यूज करते हैं। ऑप्शन ए एल्ब्यूटेरॉल, ऑप्शन बी फेनिलएलिफ्रिन, ऑप्शन सी क्लोनिडिन या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेजोसिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूटेरॉल। जो एल्ब्यूटेरॉल होता है इट इज अ सिलेक्टिव बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, वो हमारा एक सिलेक्टिव बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है जो कि हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराता है, जिसके वजह से हमारा एस्थमा ठीक होता है। और इसको हम कॉमनली एस्थमा में इनहेलर की तरह यूज कर सकते हैं। तो जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल हमारा, फॉर सपोज ये हमारा ब्रोंकियल स्मूथ मसल है, हमारा एस्थमा में प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। लेकिन एल्ब्यूटेरॉल जो कि एक बीटा टू सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, तो बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का एक्टिविटी होता है कि वो ब्रोंकियल स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन कराए, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो जाता है उसको अपोज करके रिलैक्सेशन कॉज करवाए। अगर रिलैक्सेशन कॉज हुआ इसका मतलब हमारे एयर वे के पैसेज में बहुत जगह बनी ताकि हम इजिली एयर को इनहेल कर सकते, तो उस वजह से हम एस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं। Then question number 3 is, which enzyme is responsible for the breakdown of norepinephrine in the synaptic cleft? कौन सा एक एंजाइम है which is responsible for the breakdown of norepinephrine, जो कि norepinephrine का breakdown कर देता है या फिर norepinephrine की degradation कर देता है in the synaptic cleft? Option A, acetylcholine esterase, option B, monoamine oxidase, option number C, catechol-O-methyl transferase, या फिर option number D, tyrosine hydroxylase. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मोनोएमीन ऑक्सीडेज। तो जो मोनोएमीन ऑक्सीडेज होता है या फिर जो माव होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नॉरएपिनेफ्रिन है, तो ये मोनोएमीन ऑक्सीडेज हमारा एक एंजाइम होता है, एंजाइम फॉर डिग्रेडेशन और ब्रेकडाउन, जिसके वजह से ये हमारा फॉर एग्जाम्पल सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो यहाँ पे आके हमारा नॉरएपिनेफ्रिन ये ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर डिग्रेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हिच टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेडिएटिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट, वैसो का कॉन्स्ट्रिक्शन कराने, वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन कराने के लिए कौन से हमारे जो हमारे कौन सा हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए अल्फा 1 रिसेप्टर, ऑप्शन बी अल्फा 2 रिसेप्टर, ऑप्शन सी बीटा 1 रिसेप्टर या फिर ऑप्शन नंबर डी बीटा 2 रिसेप्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अल्फा 1 रिसेप्टर। तो बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है वो वैसो डायलेटरी, फिर वैसो वो ब्रोंको रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन। अल्फा 1 रिसेप्टर हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट शो कराते हैं इन द स्मूथ मसल विच लीड टू इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसके वजह से हमारा जिसमें ये हमारा स्मूथ मसल है, अगर इसमें हम कॉन्स्ट्रक्टरी इफेक्ट दिखाए तो जिसमें जो हमारे ब्लड जा रहे हैं तो उसमें इसके वजह से क्या होगा ना, इस ब्लड का हमारा प्रेशर पड़ेगा पेरिफेरी पे, जिसके वजह से हमारा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कॉज होगा।
And question number 5 is, which of the following drug is a selective alpha 1 adrenergic antagonist used in the treatment of hypertension? तो कौन सा हमारा ड्रग ऐसा है विच इज अ सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, क्योंकि सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट एक्शन शो करता है अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से, विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जिसको हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं. ऑप्शन ए प्रोपानोलोल, ऑप्शन बी मेटोप्रोपोल, ऑप्शन सी प्राजोसिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेराजोसिन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी टेराजोसिन. टेराजोसिन है, इट इज अ सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, हमारा एक सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, दैट रिलैक्स द स्मूथ मसल इन द ब्लड वेसल, जो कि हमारे ब्लड वेसल में जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और ब्लड प्रेशर को कम करता है इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन. क्वेश्चन नंबर 6 इज, एक्टिवेशन ऑफ द बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन द हार्ट लीड्स टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बी वैसोडायलेशन, सी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, या फिर डी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी. अगर हम बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एक्टिवेशन कराएंगे तो उसके वजह से हमारा जो हार्ट रेट है इंक्रीज होगा, प्लस कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट मतलब कितना बार हमारा हार्ट बीट करा, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब द फोर्स विथ विच द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फोर्स विथ विच द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कितने रेट पे कितने फोर्स से वो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं. द एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन द हार्ट बाय नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन लीड्स टू द हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिविटी एनहांसिंग कार्डियक आउटपुट. तो अगर बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो गया बाय द एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन, तो उसके वजह से हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होता है और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिविटी भी इंक्रीज होता है, जिसके वजह से हमारा ओवरऑल कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट. तो कौन सा ड्रग हमारा ऐसा है विच इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट. ऑप्शन ए एटेनोलॉल, ऑप्शन बी मेटोप्रोपोल, ऑप्शन सी प्रोपानोलॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेराजोसिन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रोपानोलॉल. जो प्रोपानोलॉल होता है ये हमारा एक नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है, मीनिंग इट ब्लॉक बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर. जो प्रोपानोलॉल होता है वो हमारा नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये बोथ बीटा 1 को भी और बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को जाके ब्लॉक करता है. इट इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ट्रेमर. इसको हम कॉमनली ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए यूज, हार्ट रेट को कमाने के लिए यूज करते हैं, ट्रेमर्स को कम करने के लिए यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सबटाइप इज अ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रीडोमिनेंटली फाउंड होता है. ऑप्शन ए अल्फा 1, ऑप्शन बी अल्फा 2, ऑप्शन सी बीटा 1, या फिर ऑप्शन नंबर डी बीटा 3. सो द करेक्ट आंसर इज बीटा 3. तो बीटा 3 रिसेप्टर हमारी यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल में हमें मिलता है और या फिर प्रोडोमिनेंटली वहां पे फाउंड होता है. जो बीटा 3 एडिनर्जिक रिसेप्टर होता है दैट इज प्राइमरी लोकेटेड इन द स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. इसको एक्टिवेट करने से हमारा जो ब्लैडर में मसल्स जो होते हैं या फिर जो स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे ब्लैडर में वो रिलैक्स कर जाते हैं, जिसके वजह से हम यूरिनरी वॉइडिंग को ठीक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट. तो कौन सा इनमें से हमारा एग्जाम्पल है सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का, विच इज यूज टू ट्रीट बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, जो कि हमें बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टैम्सुलोसिन. टैम्सुलोसिन हमारा एक सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है दैट स्पेसिफिकली टारगेट अल्फा 1 रिसेप्टर, जो कि स्पेसिफिकली जाके हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है इन द स्मूथ मसल एंड इन द प्रोस्टेट. इट हेल्प टू रिलीव यूरिनरी सिम्टम्स एसोसिएटेड विद बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया. देन क्वेश्चन नंबर 10 इज, एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन द लंग्स लीड्स टू. अगर हमारे लंग्स में बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ तो फिर क्या होगा. ऑप्शन ए ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन,
ऑप्शन बी ब्रोंकोडायलेशन, ऑप्शन सी डिक्रीज हार्ट रेट, या फिर ऑप्शन बी डी इंक्रीज ब्लड प्रेशर. करेक्ट आंसर इज यस ऑप्शन बी. हमने पहले भी एक बार इसको डिस्कस कर लिया था कि अगर बीटा टू एडिनर्जिक रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ तो फिर क्या होता है, ब्रोंको का डायलेशन होता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में डायलेशन होता है, या फिर ब्रोंकियल स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाता है. इट विल कॉज डायलेशन और रिलैक्सेशन. द एक्टिवेशन ऑफ द बीटा टू एडिनर्जिक रिसेप्टर इन द लंग्स बाय मेडिकेशन लाइक एल्ब्यूटेरॉल लीड्स टू ब्रोंको डायलेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल इन द एयरवेज एंड इम्प्रूव्ड एयर फ्लो, जिसकी वजह से एयरवेज में इंप्रूवमेंट होती है, एयर फ्लो में इंप्रूवमेंट होती है. दिस इफेक्ट इज बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन लाइक एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर. ये सारे चीजें हमारे एस्थमा और सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सिलेक्टिव अल्फा टू एडिनर्जिक एगोनिस्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. कौन सा ऐसा हमारा सिलेक्टिव अल्फा टू एडिनर्जिक एगोनिस्ट है जिसको हम हाइपरटेंशन के केस में यूज कर सकते हैं, या फिर हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज करते हैं. ऑप्शन ए डोब्यूटामिन, ऑप्शन बी फेनाइलेप्रिन, ऑप्शन सी क्लोनिडिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेराजोसिन. द करेक्ट आंसर इज क्लोनिडिन. तो क्लोनिडिन हमारा एक सिलेक्टिव अल्फा टू एडिनर्जिक एगोनिस्ट होता है जो कि सेंट्रली एक्ट करता है इन द ब्रेन टू रिड्यूस सिंपैथेटिक आउटफ्लो, जिसके वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो रिड्यूस हो जाता है, लीडिंग टू डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड लोअर ब्लड प्रेशर. इट इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. देन क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ नॉन सिलेक्टिव अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट यूज टू ट्रीट हाइपोटेंशन एंड शॉक. तो कौन सा हमारा ऐसा अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट है विच इज यूज टू ट्रीट हाइपोटेंशन एंड शॉक, जो हाइपोटेंशन या फिर शॉक को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है. ऑप्शन ए फिनाइलेफ्रिन, ऑप्शन बी राजोसिन, ऑप्शन सी क्लोनिडिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फिनाइलेफ्रिन. जो फिनाइलेफ्रिन होता है वो हमारा एक नॉन सिलेक्टिव अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट होता है जो कि नॉन सिलेक्टिवली जाके किसी भी अल्फा रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एगोनिस्टिक या फिर मिमिकिंग एक्शन शो करता है, जिसके वजह से हमारे ब्लड ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. इट इज यूजफुल इन मेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन एंड शॉक. देन क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया. तो कौन सा हमारा ड्रग ऐसा है विच इज अ नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जो कि नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है एंड इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया. ऑप्शन ए टैम्सुलोसिन, ऑप्शन बी मेटोप्रोपोल, ऑप्शन सी फेंटोलामिन, या फिर ऑप्शन डी लैबेटोलॉल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फेंटोलामिन. द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ अल्फा वन एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट इज, हमारा अल्फा वन एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट का सबसे प्राइमरी इफेक्ट कौन सा है. ऑप्शन ए वैसोडाइलेशन, ऑप्शन बी ब्रोंकोडाइलेशन, ऑप्शन सी डिक्रीज हार्ट रेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वैसोडाइलेशन, या फिर वैस्कुलर स्मूथ मसल का डायलेशन. देन क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा. तो कौन सा इनमें से हमारा नॉन सिलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट है विच इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा. ऑप्शन ए टिमोलोल, ऑप्शन बी फेराजोसिन, ऑप्शन सी मिथाइल डोपा, या फिर ऑप्शन नंबर डी लैबेटोलॉल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टिमोलोल. तो टिमोलोल हमारा एक ऐसा ड्रग है जो बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है और जिसको हम ग्लॉकोमा के केस में यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट. इसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, इसको डायरेक्टली हम अपने आंखों में अप्लाई करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा. ये क्या करते हैं, हमारा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है. ग्लॉकोमा में क्या होता है, बेसिकली हमारा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है ड्यू टू द मोर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर. हमारे आंखों में एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है जिसके वजह से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है. तो अगर हमको ग्लॉकोमा को ठीक करना है तो हमें एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कम करना होता है और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कम करना होता है. तो इस केस में हमें टिमोलॉल हेल्प होगा. सो दिस वॉज ऑल गाइज, थैंक यू सो मच. होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा.